स्टँडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यांचं उपचारादरम्यान एम्स रुग्णालयात निधन झालंय. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती अस्थिर होती, बिघडलेली होती. गेले 42 दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. 10 ऑगस्टला सकाळी व्यायाम करत असताना ते ट्रेडमिलवरच कोसळले आणि त्यावेळी त्यांना तात्काळ एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं. एम्स रुग्णालयातील आयसीयू डिपार्टमेंटमधल्या व्हेंटिलेटरवर त्यांना ठेवण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी ही शस्त्रक्रिया पार पडली होती. राजू श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या विनोदी शैलीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. आता त्यांच्या निधनानं मनोरंजन सृष्टीत शोककळा पसरली आहे. ते राजू श्रीवास्तव यांच्या आठवणी जागवल्यात मुकेश खन्ना यांनी. जी, मैं तो मतलब इस आशा में था कि ये शख्स इस युद्ध को जीत जाए. इसी ही वाज फाइटिंग फॉर आई थिंक मोर देन 30 डेज एंड मुझे जिस तरह से पहले भी जब एक बार खबर फैल गई थी कि वो नहीं रहे जी. तो मैंने उनके भाई से बात की थी, बोला नैनी साहब वो अभी रिकवर हो रहे हैं और बेटर है. उस बात को भी महीना बीत गया है तो मैं बहुत आशावादी था कि मैंने कहा ये आदमी निकल पाएगा. बिकॉज ना ये बहुत मुश्किल चीज, जब वेंटिलेटर पे आप चले जाते हो ना तो वेंटिलेटर से निकलना बहुत होता है. तो ये बहुत दुखद घटना है. मैं समझता हूँ एक इंसान जिसने लोगों को हंसाया है सिर्फ और कुछ नहीं किया. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब कभी भी मैं आते थे मुंह खोलते थे तो मुझे हंसी आ जाए. और मैं उनको महाभारत के टाइम से जानता हूँ और काफी काफी फंक्शनों में काफी जगहों पे मेरा इनके साथ ताल्लुक है. तो मुझे ये दुख दुखित बात है कि मैं समझता था कि लड़के निकल के ऊपर आ जाएंगे. आई वाज वेटिंग फॉर दैट. लाल मातीतली कुश्ती म्हणजे